अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए जो है एक रिश्ता जो है वो लेकर आया हूँ। लेकिन उसको बताने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, रिश्ता जो है ये जो खातून है हमारी बहन, इनका नाम है जुबैदा बीबी। तो ये जो जुबैदा बीबी हैं, इनकी उम्र है, इनकी एज यानी कि है 44 बरस, 44 ईयर्स। खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, लेकिन ये एक तलाक याफ्ता खातून हैं। इनका तलाक हो चुका है बदकिस्मती से। इनके जो शौहर थे उनको जो है उन्होंने इनको छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। तो जुबैदा बीबी जो हैं पिछले 3 साल से अपने वालदैन के घर पर रहीम यार खान सिटी में रहती हैं। रहीम यार खान शहर, वहाँ पर ये रहती हैं। तो जुबैदा बीबी जो हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं और वो दोनों बच्चे इनके साथ ही रहते हैं। एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटी जो है वो बड़ी है, बेटा छोटा है। इनकी तालीम जो है जुबैदा बीबी की, हमारी बहन की, ये मैट्रिक है और खूबसूरत है। इनकी जो हाइट है वो 4 फुट और 9 इंच है। मुसलमान है, फिरका सुन्नी है और इनकी कास्ट जो है ये राणा बरादरी से इनका ताल्लुक है और फिरका जो है इनका वो सुन्नी है। अच्छे घराने से हैं, ख़ानदानी लोग हैं। तो इनके जो भाई हैं मोहम्मद अहमद यार साहब, अहमद यार साहब जो हैं वो इनके सरपरस्त हैं, इनके भाई हैं। वो ये चाहते हैं कि अपनी बहन की वो दोबारा से शादी कर दें और इनकी शादी के बाद इनके बच्चों को वो अपने पास रखेंगे। तो इसलिए जो है बच्चे जो हैं इनकी शादी के बाद अपनी वालदा के साथ नहीं जाएंगे। तो वो हमारे दोस्त जो शादी करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं शादी के अबाउट ऐसी किसी फैमिली से, तो उनकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों, मुसलमान हो, फिरका सुन्नी हो, इसके अलावा जात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों, वो बराए मेहरबानी अपना मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम और अपनी एज, ये 3 चीज़ें वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।